पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात अब लोगों के लिए आफत बन रही है। अब बरसात के कारण लोगों को सड़क से लेकर घरों तक मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तस्वीरों में आप जो जलभराव की वीडियो देख रहे हैं, ये रादौर के गांव छोटा बास की बकाना रोड कॉलोनी की है, जहां पर देर रात से ये लोग घरों में जमा बरसाती पानी के कारण सो तक नहीं सके। इन लोगों का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण यहां ये हालात बने हैं। यहां पानी की दिक्कत है, निकासी की। जब भी बरसात होती है पानी भर जाता है जी। यहाँ पहले निकासी थी जी, वहाँ तो वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया जी। अब पानी रुक जाता है, अरे पानी भरा है जी। यहाँ निकासी नहीं है जी, इसका कोई सलूशन करो जी। रात भर जी 10 बजे से पानी काट रहे जी। हाँ, पानी फिर आता जाता खेत में से आता है, फिर काट रहे जी पानी। अनाज वगैरह खाने पीने का आपका सामान? बस खाना पीने में पानी भर रहा जी, ख़राब हो रहा है जी सर। बरसात के लिए विशेष तौर पर उन्होंने अपनी टीम गठित की हुई है, जिसके अंदर सभी चैम्बर्स को टाइम खुलवाया जा रहा है और बकायदा बरसात में स्पेशल टीम बनाई गई है, जो बरसात के मौके पर सारे चैम्बर के पास रहेगी। जितनी नाली नाले थे सभी पहले सफाई करवाई जा चुकी है। कहाँ कहाँ समस्या आई आज ज़्यादा अगर देखा जाए? फिलहाल तो कहीं विशेष समस्या नहीं, आज छोटा मास तो थोड़ी समस्या आई है। वहाँ पर अब जेसी मशीन लगा कर वहाँ सफाई करवाई जा रही है। वहाँ कुछ अवैध रूप से कॉलोनी बसी हुई है, जो लो लाइन एरिया है, जिसके अंदर कोई कबाड़ी वाले ने अपना कबाड़ से उसे घिरा हुआ था, जिस कारण से वहाँ जगह ब्लॉक हो गई थी। तो उसके बाद हमने नोटिस भी जारी किया है और वहाँ सफाई भी करवाई जा रही है। लोगों की हिदायत है पॉलीथीन वगैरह यूज़ ना करें, पॉलीथीन से मेन चैम्बर सारे ब्लॉक होते हैं, पॉलीथीन से लगने वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।